पंजाब में रेफरेंडम 2020 के नाम से नौजवानों को सोशल साइट के जरिए उकसाने और जो नौजवान इस झांसे में आते हैं उनको पंजाब में माहौल खराब करने के लिए छोटी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए फंड देने वाली खालिस्तान लहर से जुड़ी महिला कुलविंदर कौर जो कि मलेशिया में रहती थी उसे बटाला पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वहीं अदालत की तरफ से महिला को 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस जिला बटाला के DSP संजीव कुमार ने इस संबंध में तमाम जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आप भी सुनिए। थाना रंगर नंगल विच पिछले साल 31/5/18 उदे विच ठेकियां नूं अग लगाई गई 5 कराइयां 3 वाल तंदोई अड्डे ते उह मड्यूल ब्रेकअप होया सी उह ब्रेक कीता सी जिसले ते उत्थों पता लग्गा सी कि इत्थे इहदा लिंक्स बाहर दे ने गुरपतवंत सिंह पन्नू कुलवीर कौर मम्मा मान सिंह एरा वगैरह उह इहनां नूं यूथ नूं मोटीवेट करके 2020 रेफरेंडम दे लई मोटीवेट करके ते उहनां नूं फंडिंग करके ते ये सारा करवा रहे सी। उदे विच ए लेडी नॉमीनेटेड सी, इन्हां दे ओपन एंडेड वरंट भी हासिल किए गए सी अदालत वालों। ते हुण ये मलेशिया तो जदों इंडिया आई है ते असी इहदी LOC जारी करवाई सी ते वो एयरपोर्ट वाले इमीग्रेशन डिपार्टमेंट ने डिटेन कर लिया इन्हां नूं ते उत्थे कल रात नूं मैं जा के ते उन्हां तों मेरे हैंड ओवर कर दित्ते असी अरैसट कर लईए ते अज अदालत च पेश कीता जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब दे पेश कीता जी। उन्हां दा 6 दिन दा रिमांड दिता जी जे तो ये फरदर ये फंडिंग इस नूं कौन करदा पिछों कित्थों आउंदी फंड अगो किस तरह मोटीवेट करदे होर इहदे नाल शड्यूल विच किहड़े किहड़े बंदे जुड़े ने वो सब पता करने कीता जाएगा। सर जदों तो केस रजिस्टर्ड किया मैंने शायद थोड़ा रिमाइंड कि ये लेडी वालों फंडिंग की गई सी शायद। हाँ जी हाँ जी एग्जैक्टली ये इतों तक सी कि जिहड़े बंदियां नूं इन्हें ठेकियां नूं अग लाने या हिंदू नेताओं की रैकी करने लई सारा किया गया सी। उदे विच जो कुछ भी उन्होंने कीती सी उहदियां वीडियोज़ भी उन्होंने करके इनू भेजिया सी। डेस्क रिपोर्ट सिटी होम न्यूज़।